हेलो गाइस, माय नेम इज इंजीनियर अनिल कुमार गुप्ता और फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने इंटीग्रेशन का सेकंड वीडियो लेकर के। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 20 से 25 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे डियर स्टूडेंट्स, 7 जून के पेपर के लिए हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। आज फिर से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगेन जीत की तैयारी, इंटीग्रेशन की है बारी, ठीक है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला करके फिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। डियर स्टूडेंट, अगेन संकल्प सर, इन्हें कौन नहीं जानता यार। और हाइब्रिड स्कूल फिर से बहुत ही टॉप लेवल पे ईस्टर्न यूपी का टॉप मोस्ट स्कूल बन चुका है। और थोड़ा सा डियर स्टूडेंट मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे क्लास 10th से जो 11th में बच्चे जा रहे हैं उनका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आईआईटी नीट के स्टूडेंट जो अभी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वो भी चाहे तो इनरोल करा सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बहुत तेजी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 11th क्लास में ऑलरेडी हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ है उसमें मैक्सिमम सीटें फुल हो चुकी हैं। तो गाइस देर मत करिए, जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ सीट को इनरोल कराइए। ओके डियर, बहुत ज्यादा मैं टाइम वेस्ट किया बिना आज के पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। और इस क्वेश्चन पे आने के पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई आपका बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट, आज का भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन मैं आपको कहूंगा कि जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। सो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और जो भी डाउट्स आते हैं, कुछ हमारे ही सेट के स्टूडेंट है, पहले तो मैं उनकी प्रायोरिटी देना चाहूंगा कि जो भी सेट के स्टूडेंट है अगर डाउट आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट आके स्कूल में मिल सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सेकंड वन, अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है, आप बाहर के हो, एक्स सेडियंस नहीं हो, देन नो इश्यू। अगर आपको कॉल पे ही बात करनी है तो हमारे नंबर ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिएगा। और डैम श्योर ऑफिशियल टाइम पे कॉल करेंगे तो डैम श्योर जो हमारी टीम है वो उठाएगी और आपको मेरे से बात कराएगी। तो आप डायरेक्ट भी मुझसे बात कर सकते हो, आप दुनिया इंडिया के किसी कोने में बैठे हो, डैम श्योर आप मुझसे बात कर सकते हो। ओके डियर, चलिए तो यार आगे बढ़ते हैं अपन लोग। और आज पहले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने यहाँ पे शेट का जो मैंने पेपर ले रखा था इवन हाफ ईयरली का, उसमें बच्चों मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों अगेन मैं आपसे कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को अगर डियर स्टूडेंट मुझसे कोई कहता है सॉल्व करने के लिए तो मैं कहता हूँ यार इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे डियर, जो आपके सामने देखिए ये वैल्यू दे रखी है, इसको डियर स्टूडेंट हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखो होता क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे आगे पूछते हैं कि सर ये बताइए आपको कैसे पता कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। डियर स्टूडेंट पता होने की बात नहीं, आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन का यूज करना है, थोड़ा ब्रेन का यूज करना है कि हम इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपके दिमाग में तुरंत ये बातें क्लिक करने लगी। कोई बहुत बड़ी मैं बच्चों बात नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, एनीवे जरा ट्राई करते हैं एक बार। तो बच्चों ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आप देखिए जरा सा मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको, सॉल्व करके दिखाता हूँ, समझ में आए। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, ओके इक्वल टू टी। नाउ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को बोला टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, टू कॉस एक्स। और बच्चों इस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो यहां पे भी मैं माइनस साइन एक्स लिख ले रहा हूं। और यहां बच्चों ओवरऑल डीएक्स आ जाएगा, ओवरऑल क्या आ जाएगा डीएक्स, और इधर मैं लिख लेता हूं डी, इधर मैं लिख लेता हूं डी। अब देखिए टू साइन एक्स कॉस एक्स, यार हम सबको पता है टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन टू एक्स होता है। तो डियर स्टूडेंट इसको हम साइन टू एक्स लिख लेंगे इस पूरी वैल्यू को, तो देखिए बीच में एक माइनस साइन आ जाएगा, आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन टू एक्स डी एक्स इक्वल टू बी टी। नाउ यहां से आपका साइन टू एक्स बी टी डी एक्स की अगर बात की जाए तो बच्चों ये आपका कितना हो जाएगा, इसकी अगर बात करें तो डी टी। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन टू एक्स डी एक्स। अब आप देख सकते हो इतनी वैल्यू को बच्चों, अब देखो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, इतनी वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डियर, मैं ही लिख दे रहा हूँ
dt upon a square minus b square है ना। और भैया ये वैल्यू हमने t1 रखी है, t हो जाएगी। तो अगर मुझसे कोई कहेगा मैं लिख दूंगा 1 upon a square minus b square ln t है ना plus c, और t की वैल्यू बच्चों हमने जो मांगी है उठा के वहां रख देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों प्रॉब्लम है ये, और ये अगर बोर्ड में आएगी बच्चों तो मैं आपको पहले बता दूं कम से कम 3-5 मार्क्स की आएगी, 3-4 मार्क्स तक की ले लो, इतने नंबर की प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अब तक बोर्ड में 3 बार पूछा गया है। ठीक है ठीक है, चलो तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें किस तरह सॉल्व करना है, पूरा मैंने कैलकुलेशन आपके सामने कर दिया है। अब बच्चों टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये यार एनसीईआरटी एग्जांपलर की प्रॉब्लम है, जितने भी एग्जांपलर सॉल्व की होगी डैम श्योर उसको ये प्रॉब्लम मिली होगी। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपका क्या दे रखा, साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है कोई इश्यू नहीं है आपको, मैं सीधा सीधा इसमें तरीका बता दे रहा हूँ। इसमें बहुत ज्यादा वॉच पॉच है, मैंने आरडी शर्मा का भी सॉल्यूशन देखा, उन्होंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक्स माइनस अल्फा अगेन एक्स प्लस अल्फा यार अल्फा ऐड अल्फा सबट्रैक्ट, मैं इतना दिमाग नहीं लगाना है, एक्स प्लस अल्फा को टी मान लेते हैं, सीधा सीधा है, सीधा तरीका एकदम आसान, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पुट एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू टी, ओके। अब जैसे ही एक्स प्लस अल्फा को आप टी लोगे बच्चों तो यहां से आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब जैसे ही dx equal to dt आएगा आप यहाँ पे dq लिखोगे, तो जैसे ही dq लिखोगे हमें x को t के फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा, जैसे ही रिप्लेस करना पड़ेगा देखो करते हैं भाई साइन जहां x से बच्चों वहां t माइनस अल्फा आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा t माइनस 2 अल्फा अपॉन में साइन t अपॉन में बच्चों साइन t। अब देखो साइन t माइनस 2 अल्फा, साइन t माइनस 2 अल्फा को आप ओपन कर सकते हो लाइक साइन a माइनस b के बिहाफ पे, साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है जैसे रखोगे साइन t से डिवाइड करोगे सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर, बाकी आप इंटीग्रेट कर लेना, और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बता देना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, साइन t cos 2 अल्फा माइनस cos t साइन 2 अल्फा, 2 अल्फा वाले टर्म कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, साइन t से डिवाइड कर करके आप वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे शुरुआत की 2 प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगेन ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, मैं उन्हीं उन प्रॉब्लम को हिट किया हूं जो या तो आईआईटी में आई है, ठीक है, क्योंकि आईआईटी के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच्चों आते हैं, और हाँ कुछ बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी केस स्टडी के लिए, तो डियर स्टूडेंट डैम श्योर जैसे ही हमारा पूरा इंटीग्रेशन का पोर्शन खत्म होता है एक वीडियो, और उस वीडियो में मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया, मेरे शेड्यूल्स हैं उनका रिक्वेस्ट आया कि सर प्रॉपर्टीज भी एक बार डिस्कस कर दीजिएगा, तो वो मैं उन्हीं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा जो पेपर में आएंगी, प्रॉपर्टीज लिख दूंगा उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो लाइन से डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है चलिए, तो इंटीग्रेशन लिखा इवेल्युएट इंटीग्रेशन 4 साइन इनवर्स एक्स, बच्चों यहाँ पे मिसिंग है साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, नो इश्यू करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, जरा सा बड़ा ही आसान सा प्रॉब्लम बच्चों ये, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स की अगर बात की जाए तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, ठीक है। तो पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, जैसे ही साइन इनवर्स एक्स को हम मतलब टी मानेंगे तुरंत हमें दिमाग में क्लिक करना चाहिए सर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये इक्वल हो जाएगा बच्चों dt के। अब आप देख सकते हो यहां से आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, इसको तो हमने t मान लिया है बच्चों, t क्यूब आ जाएगा, और नीचे अब देखो नीचे की बात की जाए तो बिकॉज dx अपॉन इतना, देखो ये वैल्यू हमारी बच्चों t के बराबर है, ठीक है 4 बाहर आ चुका है, t आ जाएगा, dx टर्म ये हो जाएगा 4t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और t की वैल्यू हमने ऑलरेडी sin इनवर्स x माना हुआ है, तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारा sin इनवर्स x की पावर 4 प्लस का c, ये आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा और इसको प्लीज आप लोग सर्किल कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर बच्चों आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बच्चों 1 प्लस मैं पुट करके लिख दे रहा हूँ, प्लीज इसको आप लोग सॉल्व खुद से कर लेना, हालांकि बोर्ड में आया हुआ है बट आसान है। 1 का क्या हो जाएगा 0 log x का हो जाएगा 1 by x dx और dt, तो dx upon x को बच्चों हम लोग dt लिख लेंगे, और यहाँ पे बच जाएगा t square का क्या होता है t cube upon 3,
बातें भी सुनते रहिएगा, 1 + ln x का होल क्यूब अपॉन 3 + 3, ठीक है क्लियर। तो इस तरह से ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होगा, आई होप सो ये बातें क्लियर होंगी। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप सो ले लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत पहले AIEEE में आ चुकी है, बहुत पहले किसमें आ चुकी है बच्चों, AIEEE में आ चुकी है, फिर बोर्ड एग्जाम में भी आएगी, अभी मैं आपको बता दूं ICSE के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो जब बच्चों ये पूछा हुआ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हर एक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड देख के लगाना, डायरेक्ट नहीं लगा देना, क्योंकि अगर आप देखो x की पावर 4 + 1 को मानोगे तो 4x³ आएगा, 4x³ का ऐसा कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी सोच के मानना है कि आप क्या माना जाए कि काम हो जाए, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पावर इन्होंने दे रखी है 3/4, तो जब पावर 3/4 दे रखी है तो एनीवे यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम x की पावर 4 की पावर 3/4। अच्छा x की पावर 4 की पावर 3/4, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्लास 8 की एक आइडेंटिटी का यूज करना होगा इस तरह की। तो यहाँ से x³ कुल मिला के बच्चों क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जैसे ही x³ बच्चों बाहर होगा तो देखिएगा यहां से हम लोग लिख देंगे dx अपॉन x³ बाहर आ जाएगा x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 क्यू की पावर 3/4, ठीक है। अब जैसे इतना हमने माना, हमारे दिमाग में बच्चों तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, क्या क्लिक कर जाना चाहिए कि हमें किसको t मानना है, हमें अब इसको t मानना है। जैसे इसको हम t मानेंगे, आप देख सकते हो 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 को हमने t माना, देखिए करके दिखाते हैं, 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू t, ठीक है। जैसे हमने इसको t माना, 1 का हो जाएगा 0, यहां आ जाएगा बच्चों -4 अपॉन x की पावर 5 dx इक्वल टू dt इक्वल टू dt, ठीक है। -4 अपॉन dx अपॉन x की पावर 5, तो देखिए dx अपॉन x की पावर 5 तो भैया यहां से चला गया, इसने कहा भैया टाटा बाय बाय, हम तो चले है ना, हम तो चले। तो देखो -dt/4 इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। अब मैं देखिए आपको उस मुकाम पे लाके पहुंचा दूंगा कि यहाँ से आपकी मात्र एक बोलते हैं ना संयोग है, तो बस अब आपको बस कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है, क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4 बच्चों बाहर आ गया, इसको लिखा टी की पावर 3/4। अब मुझे लगता है इसका इंटीग्रेशन तैयार कोई निकल लेगा, इसका इंटीग्रेशन बड़े आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। AIEEE की भी प्रॉब्लम थी, मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और बच्चों बोर्ड में भी अगर एक होता है ना टफेस्ट जोन की प्रॉब्लम बनेगी तो एक ये भी बन सकती है, 3 मार्क्स की, कम से कम 3 to 5 मार्क्स की बच्चों ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब बच्चों ये थोड़ी सी एडिशनल प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं 2018 के बाद से ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में, ठीक है। होता है ना बहुत सारे फैशन होते हैं, ट्रेंड्स में होते हैं, बहुत ट्रेंडिंग चल रही होती है, हाँ भैया इस फैशन का बहुत यूज हो रहा है आजकल, चलो हमको भी पहनना चाहिए, सेम ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तब ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है तो यार इसको सॉल्व कैसे करना है ना, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत आसान, और जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में अप्लाई कर देना, ठीक है। भैया यहाँ पे 1/2 दे रखा है और 1/3 दे रखा है, जरूरी नहीं तुमको पेपर में यही मिले, हो सकता 1/3, 1/4 मिले, 1/4, 1/5 मिले, तुम सिर्फ नीचे वाली वैल्यू पकड़ना, नीचे वाली वैल्यू क्या 2 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर दे, मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 और 3 जो डिनोमिनेटर में 1/2, 1/3, तो सिर्फ मैं 2 और 3 की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग मुझसे कहते हैं सर 1/2, 1/3, बिल्कुल नहीं, मैट्रिक बता रहा हूँ बच्चों 2 और 3 को बच्चों मल्टीप्लाई कर दो। तुमने कहा सर मल्टीप्लाई तो बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई तो छोटे बच्चे को भी आता है, 2 × 3 कितना हो गया 6। अब बच्चों क्या करना है, जितना तुमने मल्टीप्लाई किया बस जो ये पावर के फॉर्म में तुमको रखना है x इक्वल टू t की पावर 6। यार ये तो बड़ा आसान है सर, ये तो बड़ा आसान बता दिया भैया, अगर 1/3, 1/4 होगा तो 12 हो जाएगा, तो x t की पावर क्या रख देना, 12 रख देना। तो इस तरह जो भी वैल्यू है हमें पावर के फॉर्म में क्या करना है, रख देना। अब चलो भाई करके देखते हैं, और x इक्वल टू t की पावर 6 कैसे रखना है मैंने आपको बता दिया, चाहे जो भी पावर होगी उसको मल्टीप्लाई करके आपको रख देना है, ठीक है बच्चों। चलो जैसे ही रखेंगे अब यहाँ देखिए क्या आएगा, dx बराबर 6t की पावर 5d, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है, जैसे यहाँ रखेंगे आ जाएगा 6t की पावर 5dt। अगेन x को यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे देखो क्या आएगा, आ जाएगा बच्चों टी का क्यूब प्लस टी का स्क्वायर, टी का क्यूब प्लस टी का स्क्वायर। आई होप सो यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर होंगी बच्चों, यार टी का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, टी का स्क्वायर बच्चों कॉमन ले लेते हैं,
और थोड़ा सोचो डिवीजन जो कि क्लास 9 10th में पढ़ा हुआ है बस उसका यूज कर लेना। चलो भाई टी की पावर 5 डीटी अपॉन टी स्क्वायर कॉमन लिया आ जाएगा टी प्लस 1 ये गया यहां से आ जाएगा क्यू। अब यार टी प्लस 1 से टी क्यूब में डिवाइड नहीं कर पाओगे क्या? डिवाइड करके हमें क्या करना, क्विक इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व कर देना और टी की जगह जो हमने वैल्यू मानी है x बराबर t की पावर 6 तो t बराबर क्या हो जाएगा x की पावर 1/6 उसको उठा के रख दीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है तो दोनों ही क्वेश्चन मतलब ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चों आपको एक और बता दूं ये क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर एक चीज देखो बच्चों मेंशन कर दे रहा हूं 2022 के पेपर में आप बैठ रहे हो ठीक है तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस की जब सीरीज चलेगी उसमें मैं आपको इसको बताऊंगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ो बच्चों ये भी उसी के जैसा ठीक है ये भी सेम क्वेश्चन है मैंने कहा एक प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ मैं आपको बस केवल इसमें थोड़ा सा हिंट करूंगा। देखो यहाँ पे x की पावर कितना है 1/2 x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/3 कई लोगों के दिमाग में आ चुका होगा सर इसमें क्या है t की x बराबर क्या रखते हैं t की पावर 1/6 सॉरी x इक्वल टू क्या रख दोगे t की पावर 6 1/6 नहीं 6 ठीक है इसको रख करके बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा सीधा सीधा आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे बच्चों ऐसे ही करना फ्रैक्शन वाले में बड़े आसान होता है। ठीक है तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा ये प्लीज आप लोग करिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना आए तो बताइएगा बच्चों। चलिए तो डियर स्टूडेंट अब जरा हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब धीरे धीरे करके थोड़ा टफ जोन की प्रॉब्लम शुरू हो रही है जिसको बोलते हैं कि लाइक जब लोग आगे पहुंचेंगे ना इंटीग्रेशन में तो एक होता है ना इंटीग्रेशन एक्चुअल इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो यार यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और स्क्वायर रूट में नीचे दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है अच्छा इसको अलग अलग तरीके से लोग सॉल्व करते हैं हम लोग एकदम आसान तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे। मैं आपसे कहूंगा इस क्वेश्चन में बहुत दिमाग नहीं लगाना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आप कहोगे कैसे दिखाते हैं भाई एक काम कर लो जो आपका देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू में 1 ऐड कर लो 1 सबट्रैक्ट कर लो मैं एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अब आप कहोगे आपने कैसे सोचा तो मैं वो भी बता रहा हूँ मैंने कैसे सोचा पहले मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। तुमने कहा कि इसमें 1 को मैंने माइनस कर दिया 1 को ऐड करोगे तो 1 1 2 हो जाएगा है ना वो भी कर लेते हैं भाई 1 1 2 करने में कौन सा कष्ट है ये भी कर लेते हैं। रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा dx। अब देखो इतना करने से हमारा बेनिफिट क्या मिला इतना करने से बेनिफिट ये मिला है दोस्त इतना करने से हमारा ये बेनिफिट है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब देखो सिर्फ माइनस साइन का फर्क है तो माइनस साइन अगर हम बाहर ले ले तो भैया ऊपर नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको याद होना चाहिए कि उस फॉर्मूले को अप्लाई यहाँ पे करना होगा। ठीक है एनीवे थोड़ा आगे बढ़ते हैं माइनस 3 बाहर ले लेते हैं एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ के लिए मैं आपको बता दूं जो अंदर की वैल्यू है उसको टी मान लो अंदर की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसको बच्चों क्या मान लो टी मान लो। ठीक है अगेन प्लस प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कितना dx। ठीक है इसको भी बच्चों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मैंने सारी चीजें फॉर्मूले के बिहाफ पे आपको अगर पता है तो एक लाइन में ये और ये सब कुछ सॉल्व हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों है ना। अब देखो बस मैं तुमको इतना कहूंगा इसको बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा माइनस साइन बाहर ले लो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा बाकी यार ये भी विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है तो बच्चों इतना आपको ध्यान रखना है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मैं अपनी तरफ से कह दे रहा हूँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। ठीक है डियर तो प्लीज ध्यान रखना बच्चों एक बार मैं फिर से बता दूं बहुत मेहनत की जाती है आप सबके लिए चाहे संगम सर का वीडियो हो मेरा वीडियो हो केके सर का वीडियो या कोई भी बंदा है एक एक वीडियो बनाने के लिए पूरी रिसर्च करके आता है। ठीक है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बच्चों आप खुद सोचो पूरा भंडार है मैथमेटिक्स पूरा भंडार है फिजिक्स वहां से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को निकाल के आते हैं है ना। तो प्लीज आप लोग बस इतना किया करो यार एक सिर्फ काम करना है पूरा वीडियो देखा पहले बस शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो देखना है दूसरी बात लाइक और सब्सक्राइब कर देना इतना तो यार आप सबको करना चाहिए। ठीक है क्योंकि जब आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए यार
आपका भविष्य बनेगा हमारा, समझ लो कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है डियर। अब हो सकता है आप असम से इस वीडियो को देख रहे हो, आप दिल्ली से इस वीडियो को देख रहे हो, आप केरला से इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन बस बच्चों हमारे लिए सिर्फ एक बात होती है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो डैम श्योर जिंदगी भर आप में याद रखोगे, ठीक है डियर। तो प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखना कि बच्चों बस एक काम कर दिया करो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलो तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट हम लोग पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना और अगेन ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आ गया यार वो वाला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना मैं बाहुबली, ठीक है, पावर वाली प्रॉब्लम आ गई। इस प्रॉब्लम से मैं देखता हूँ बहुत बच्चे घबराते हैं, बहुत बच्चे घबराते हैं। चलिए तो देखा जाए भाई इस प्रॉब्लम में क्या है। यार पता है ये क्वेश्चन कुछ चीख चीख के कहता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना उनकी फितरत होती है कि भैया हम जब जा रहे हैं तो वो लोग क्या होते हैं, जैसे बहुत कुछ लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें बांटते चलते हैं। जैसे ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में क्या होता है, हम लोग कुछ खा रहे हैं, सामने वाला कुछ खा रहा है, कहते भैया आप भी लेंगे क्या। सेम ईयर ये जो ऊपर वाला बैठा है वो वही काम करेगा, ठीक है, जो न्यूमरेटर वाला है वो वही काम करेगा और उसको देख के डिनोमिनेटर भी चेंज होगा। जैसा होता है ना खरबूजा, खरबूजे को देख के अपना रंग बदलता है, सेम ईयर, ठीक है। चलो करते हैं। तो यहां से सबसे पहले एक्स स्क्वायर हमने बाहर निकाला तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अगेन कॉमन वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और यहां से आ गया बच्चों डी एक्स, यहां से क्या आ गया डी एक्स, ठीक है। चलो अब यहां देखो ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे आ रहा है वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यार ऊपर वाले को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और परफेक्ट स्क्वायर बड़ा सोच समझ के बनाना है, ठीक है, बस यही हमें समझना है यहाँ पे। परफेक्ट स्क्वायर बहुत सोच समझ के बनाना है तो कैसे बनाना है थोड़ा इसको गौर करिएगा। तो बच्चों यहां से हमने क्या कहा, ये काम करो टू ऐड कर लो टू सब्ट्रैक्ट कर लो अपॉन वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यार कितना लिखना है तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई कष्ट होगा, किसी को भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। चलो अब यहां से देखो, अब यहां सर मैं क्या करूं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 का परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं या x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं। तो बच्चों मैं आपसे एक बात बोलूंगा, यहां से परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तो इसको देख के बनाइए, इसको बच्चों देख के बनाइए, यहां दे रखा है 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर तो बट ऑब्वियसली हमको बीच में माइनस लाना पड़ेगा, अगर नीचे माइनस देगा तो बीच में क्या लाना पड़ेगा प्लस लाना पड़ेगा, बस इतनी बात बच्चों जो समझ ले गया वो समझ लो अर्जुन बन गया, ठीक है। चलो भाई तो भैया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 तो यहां से हो जाएगा x माइनस 1 बाय x का क्या परफेक्ट स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। तो डियर अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, बहुत आसान बन गया सर ये तो, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। तो 1 x माइनस 1 बाय x को जैसे ही t मानोगे क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर बच्चों dx इक्वल टू कितना आपके सामने है और अब प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, प्लीज स्क्रीन शॉट वगैरह लेते रहना यार, बार बार कहना ना पड़े। यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक ही मेथड है सर, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा बच्चों परफेक्ट स्क्वायर। याद करो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाने थे, पहला काम एक्स स्क्वायर चीख चीख के कहेगा भाई मेरे साथ कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो मतलब अलग जाऊंगा, अलग थलग रह के रहूंगा, आइसोलेटेड रहूंगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर यहाँ पे है तो x कहता जो मेरे साथ बंदा बैठा है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो। x के साथ कौन बैठा है 4, 4 का हाफ क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो यार इतने बड़े हो चुके हैं कि सर अब 4 ऐड और 4 हम सब्ट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं इस 8 को दो पार्ट में क्यों ना तोड़ दें सर। तो मैंने कहा यार इससे बढ़िया क्या होगा, है ना, एक को दो पार्ट में तोड़ दो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसको बच्चों क्या बना लो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, यहां से आ जाएगा dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4। x प्लस 2 को अगेन क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन चुका है, अगर आपको याद आ रहा हो तो बच्चों ये फॉर्मूला बन चुका है dx और ये हो जाएगा बच्चों dt। अब देख सकते हैं आप लोग खुद यहाँ से हो जाएगा dt और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस का
ओके डियर, तो ये फॉर्मूला बन चुका है, अगर आपको याद हो तो बच्चों ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a का, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t अपॉन 2 + c, और t की जगह आप लोग वैल्यू रख दीजिएगा इसकी x + 2 की, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगेन तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर की बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसका भी प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मैंने सेकंड या थर्ड स्लाइड को इंपॉर्टेंट बताया था वैसे ये भी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे। यार ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम, ये तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा बच्चों मैं आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगेगा। ठीक है, चलो यार ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, तो प्लीज इसको भी आप लोग जरूर हैशटैग कर लेना, हैश कर लेना। ठीक है, चलो देखो जरा सा, इंटीग्रेशन dx अपॉन sin x, इसको बच्चों लिखा 1 अपॉन कितना cos x, 1 अपॉन cos x, एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम अच्छी क्यों है अभी आपको दिख जाएगा। यहां पे आया cos x dx अपॉन 1 + sin x * cos x, यार इतना तो भैया करने में कोई मुझे नहीं लगता कष्ट होगा, लेकिन इसके आगे अब कष्ट होने वाला है। इसके आगे क्या कष्ट होने वाला है कि अब कैसे करें, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है सर, अब कैसे किया जाए, जल्दी से बताओ। तो भैया अब क्या करो, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ एकदम आसान सा तरीका कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कैसे इसको शॉर्ट आउट करता। ठीक है, या देखिएगा अब मैं क्या करता, मैं दोस्त यहां से सबसे पहले cos x यहां ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करता और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करता, कोशिश करता कुछ करने। चलो यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यार 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 2 cos x आ गया है ना, नीचे लिखा है 2 + 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। अब यार यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जरा देखिएगा इस 2 cos x के लिए हम दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे देखो, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से आएगा, cos x + sin x अगेन cos x - sin x, या थोड़ा दिमाग लगा के हमने लिखा और फिर लिखा 2 + 2 sin x cos x। अब यार यहां तक तो थोड़ा पहुंचना पड़ेगा, मैं कहा सर ये कैसे लिख दिए भाई, ये आपको कैसे पता चला, cos x + sin x, अब cos x 2 दो बार है, तो हमने कहा यार एक के साथ sin x ऐड कर दो, एक के साथ sin x सबट्रैक्ट कर दो, इसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा कष्ट होने वाला है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन अब आपका बहुत ही अच्छा बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन चुका है, तो जरा देखिएगा अब इसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू, अब आप कहोगे चलो सर ये भी कर लिया, मान लेते हैं आपकी बात, अब आप कह रहे हो इतना तो मैं मान लेता हूँ ये भी, बट इसके आगे क्या, तो इसके आगे जरा देखिएगा, इसके आगे जरा देखिएगा, ऊपर तो भैया cos x + sin x हमने लिख दिया, नीचे भी तो बनाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि हमने मन मुताबिक कुछ भी करोगे, तो नीचे मुझे परफेक्ट स्क्वायर जैसा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है, और 1 अगर मुझे मिल जाए तो 1 को मैं लिख सकता हूँ cos square x + sin square, बस यही दिमाग लगाना है, यही दिमाग लगाना है बच्चों। ठीक है, चलो देखो, तो ऊपर से हमने उठाया cos x + sin x अपॉन अपॉन 2 + 2 sin x cos x, तो 2 + 2 sin x cos x को डियर स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे 3 - 1 - 2 sin x cos x। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो क्या लिख सकते हैं, एक बार जरा देखो क्या लिख सकते हैं, क्या जल्दी से देखो क्या लिखा हमने, 3 - 1 - 2 sin x cos x, और दूसरे वाले को हम लिख लेते हैं, दूसरे वाले को हम लोग लिख लेते हैं यहां से, इंटीग्रेशन cos x - sin x dx, और भैया 1 + 1 + 2 sin x cos x, यार बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम हो गई भाई ये तो। अब देखो यहां से क्या हुआ, 1 + 2 sin x cos x, 1 को लिख सकते हो cos square x + sin square, देखो बातें सुनते भी रहो, cos square x + sin square x - 2 sin x cos x, तो भैया इतनी वैल्यू क्या कहलाएगी, इतनी वैल्यू कहलाएगी cos x - sin x का क्या परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर cos x - sin x को अगर हम t मान लें तो cos x का होता है माइनस sin x और sin x का होता है माइनस cos x, क्योंकि माइनस में है तो भाई माइनस sin हम बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस माइनस के मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो भैया यहां का सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम करता, इतना हमने जो किया इसी चीज के लिए किया था, 1 + 2 sin x cos x, तो 2 sin x 1 को क्या लिख सकते हो cos square x + sin square x + 2 sin x cos x, तो बच्चों जैसे ही मिलाओगे cos x + sin x का होल स्क्वायर उसको हम t मानेंगे, जैसे ही t मानोगे क्या आ जाएगा cos x - sin x, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों यहां से प्रॉब्लम बनेगी, जिसने इतना स्टेप कर लिया
डैम श्योर उसका क्वेश्चन ही गलत नहीं हो सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, प्लीज एक एक स्टेप ध्यान से देख लो, और यहाँ से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है पेपर में। थोड़ी अलग थलग प्रॉब्लम आएगी ना बच्चों, अलग थलग कभी कभी आ जाती है। लोग कहते हैं पेपर बहुत टफ आ गया था, पेपर टफ नहीं आता यार, पेपर कभी टफ आ ही नहीं सकता, सिलेबस से ही तो पूछेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम बना सकता है, थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम बच्चों ऐसे आ सकता है। एनीवे ठीक है यार, ये कैसे करें सर? ये हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, इंटीग्रेशन हिंट करूंगा बच्चों, ये आप लोगों को करना है 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब बच्चों देखो 6 का हाफ 3, 3 का क्या हो जाएगा 9 ऐड किया, और बच्चों 9 जैसे ही सबट्रैक्ट करोगे 9 बाहर आ जाएगा, 9 और 7 क्या हो जाएगा भैया सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है, रूट में आ गया 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और x प्लस 3 को हम लोग क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं, x प्लस 3 को बच्चों क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं। तो जैसे ही t मानेंगे ना, वहां से हो जाएगा dx और उधर dt, दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों बराबर हो जाएंगे, यहां से हो जाएगा 16 माइनस t स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा dt। तो बच्चों ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, और आपको याद करिए dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मैं आपको याद भी दिलाता चल रहा हूं, ये बराबर होता है साइन इनवर्स x अपॉन है, उसको अप्लाई कर देना सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन भी बच्चों बोर्ड में आ सकता है, ये तो बहुत ही सुपीरियर प्रॉब्लम है, अगर आएगी तो नो डाउट आप थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। ठीक है, तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जल्दी चलो बच्चों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यार ये थोड़ा अलग थलग प्रॉब्लम ये दी है, मैं कोशिश किया हूं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करने की जो थोड़ी सी अलग थलग प्रॉब्लम बनाती है। ठीक है भाई, चलो इसको जो है इसको बहुत सारे बच्चे बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, मैं एकदम जेन्युइन तरीके से करता हूं। ठीक है, देखो ऊपर वाला सिंगल पावर का है, नीचे वाला डबल पावर का है। जब डबल पावर वाला नीचे बैठा होता है ना, सोचो ऊपर हमेशा अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो ऊपर गॉड होता है, नीचे हम इंसान होते हैं, पावर सबसे आगे इसके पास होनी चाहिए गॉड के पास, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि इंसान के पास पावर हो। ठीक है, तो फिर हम नेचर के अगेंस्ट चले जाएंगे, और नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है, अब यहाँ तो नेचर के अगेंस्ट काम हो रहा है क्योंकि ऊपर वाले के पास पावर कम है, नीचे वाले पावर ज्यादा होगी, तो नेचर के अगेंस्ट काम होगा तो हम लोग उसको बैलेंस करेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, 4x प्लस 1 है, पावर 2 है, तो इस पावर 2 को पावर 1 में लाने के लिए बच्चों डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। बस इतना याद रखना अगर यहाँ पावर 2 है तो उतनी कांस्टेंट आपके लिए तैयार खड़े, ये आपके हाथ में है, जितनी पावर उतने कांस्टेंट लगा दो। a b by dx लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस का b। ठीक है भाई, इतना हमने बना लिया। अब यहां से कुछ कंपेयर करा के a और b की वैल्यू निकाल लेते, देखो निकालते a यहां से आ गया 2x plus 3 plus का b। अब जैसे कंपेयर कराओगे ना, देखो मैं डायरेक्ट करता हूं 2a बराबर 4, तो भैया a बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहां देखो 3a plus b इक्वल टू कितना है 1, तो यहां से जैसे आप a बराबर 2 रखोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा माइनस माइनस का 5। कुछ नहीं करना दोस्त, a और b की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देना, किसकी जगह आएगा 4x plus 1 की जगह 4x। अब 4x plus 1 भगवान और ताकतवर होगा, गॉड और ताकतवर हो गया, न्यूमरेटर वाला बहुत ताकतवर हो गया। ठीक है, चलो भाई और ताकतवर हो गया, तो जरा देखो फिर यहां से बन जाएगा इंटीग्रेशन, a की जगह रखा तुमने 2 तो यहां से आ गया 2, और यहां से अंदर मिला बेटा 2x plus 3, नीचे बैठा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहां से बना dx प्लस 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 की बच्चों माइनस आ जाएगा, यहां माइनस होगा। ठीक है, माइनस कर देना इसको, यहां से हो जाएगा 5, और यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। भैया इसका तो बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, मैं हिंट करके लिख दूं, है ना। अब पीएस तो हम लोगों ने कई बार बनाया परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व कर लेना, और डियर स्टूडेंट इसको आप टी मान लीजिएगा। अब तो सर कुएं तक पहुंचा दिया है, पानी निकालना है तो पानी तुम निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो भैया यहां तक पहुंचा दिया आपको, इसके आगे प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगेन मैं आपको बता दूं, देखो जिसको मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं बच्चों, वो मान के चलो पेपर के लिए ही बनी है। ठीक है, पेपर के लिए ही बनी है। एनीवे चलो भाई थोड़ा इस पे काम कर लिया जाए, यहाँ लिखा है x की पावर 4, यहाँ लिखा है x स्क्वायर, यहाँ लिखा है 2, बहुत आसान है यार, बहुत आसान। अगर आप लोग एनसीईआरटी, पता नहीं मुझे जितने ही बच्चे अगर ओपन कर रहे होंगे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाए, बहुत इंपॉर्टेंट।
ठीक है, जिसने भी एनसीईआरटी तो डैम श्योर उसके दिमाग में आ गया होगा एनसीईआरटी एग्जामिनर तो सर ने मैक्सिमम पूरी करा दी। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम। यार क्या करना है, एक्स स्क्वायर को क्या ले लें, टी ले, एक्स स्क्वायर क्या ले लें, टी। अब ये सोचो कितने आसान से आसानी तरीके से मैं बता रहा हूँ, पर नो डाउट जब मैं करता हूँ ना बच्चे लगते हैं अरे सर मैथ तो बहुत आसान है, लेकिन जब खुद करने बैठते हैं अरे सर पता नहीं क्या था बहुत टफ हो गई। टफ नहीं होती है, आप मैथ्स को कभी भी बचो, मैथ्स को एज अ गेम करो। अगर आपके दिमाग में गेम जैसा होता है ना, लाइक जैसे मैं अभी एक बहुत ट्रेंडिंग में था गेम पबजी, फिर फ्री फायर आया, ठीक है, वो बच्चे मैं देखता था दिन भर खेल सकते थे। मैथ्स भी ऐसी है, मैथ्स भी और फिजिक्स भी, कि अगर आप सही में अगर ट्रेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको एक दिमाग में अगर एक अच्छे मोड में अच्छे गेम के फॉर्म में खेलने लगे तो भैया दिन भर आप मैथ लगा सकते हो, दिन भर फिजिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये बात भी बच्चों ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करोगे, तो मैं हिंट लिख दे रहा हूँ, पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, और प्लीज x स्क्वायर इक्वल टू t मान के बच्चों सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा वो होगा कैलकुलेशन होगा उसको आप देख लीजिएगा। ओके डियर, तो प्लीज बच्चों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते। चलिए बहुत बढ़िया ले लिया होगा आप लोगों ने। ओके, तो ये क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, सेम प्रॉब्लम है। चलो ये वाली प्रॉब्लम बच्चों थोड़ा सा हटते हैं, थोड़ा सा हटते हैं, मैं आपको इसको थोड़ा सा हिंट करके बता देता हूँ, अच्छी प्रॉब्लम है। देखो ऊपर जो लिखा है लिखा रहे मैंने, ऊपर वाले को बिल्कुल टच मत करना, ऊपर वाला बहुत पावरफुल है। नीचे वाले को आप 4 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, इसको दोस्त ऐसे लिख लेना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बन गई बच्चों, अब मुझे बेसिकली डिनोमिनेटर पे काम करना, किस पे काम करना बच्चों, डिनोमिनेटर। तो यहाँ आ गया 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, ठीक है, यहाँ आ गया डी एक्स, और ऊपर आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस, ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स और दिस वन इज 4, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यहाँ पे साइन एक्स, अब देखो नीचे किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है, जिसका ही बन रहा है बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स माइनस 2, अगर ध्यान से देखो तो साइन एक्स माइनस 2 का बच्चों फॉर्मूला बन गया, ऊपर आ रहा है अभी भी 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस, है ना, इतना बच्चों आ रहा है। तो यार कुछ नहीं, साइन एक्स माइनस 2 को टी मान लेते, पुट साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू कितना, टी। जैसे ही साइन एक्स माइनस 2 को टी मानोगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी एक्स और यहाँ हो जाएगा बच्चों डी टी। तो यहाँ से आपने साइन एक्स माइनस 2 को टी मान लिया, वहां टी स्क्वायर आ जाएगा। अब यार गौर करना, बस इसको मैं वहां तक छोड़ दूंगा आपका जहां से मुझे लगेगा कि हाँ आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ भी थोड़ी जगह है, हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ से देखना, इसको हम टी स्क्वायर लिए, जहां साइन एक्स है उसको लिख सकते हैं टी प्लस 2, है ना। तो यहां से लिखा 3 टाइम्स टी प्लस 2 माइनस 2, भाई ये माइनस 2 है ना, तो अब देखो साइन एक्स का क्या हुआ, कॉस एक्स भी है, तो इतने को हम क्या लिखेंगे, डी टी लिख देंगे। तो भाई इतने को तो डी टी लिख देते हैं, और नीचे नीचे बच्चों देखिएगा, इसको लिखा टी स्क्वायर, क्या लिखा बच्चों टी स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 3 टी, है ना, प्लस 6 माइनस 2, प्लस 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहां से बच्चों बन गया आपका, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, तो सर बहुत आसान हो गया, मजा आ गया। तो यहां से क्या हो गया, प्लस 4 अपॉन में टी स्क्वायर और डी टी। तो डियर स्टूडेंट अब आप देख सकते हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और बाद में टी की जगह जो भी आपने लिया है साइन एक्स माइनस 2 वो रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कभी कभी होता है ना कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे रख दिए जाते, तो अच्छी प्रॉब्लम में से ही है। ठीक है, तो प्लीज बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ते। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। डियर स्टूडेंट ये भी वैसा ही है ना, जैसे भी बताया था ना ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कौन बैठा है 5x plus 3, और प्लीज इसको मैं चाहूंगा आप ही लोग करना, मैं बस हिंट कर दे रहा हूँ, d by dx in bracket x square plus 4x plus 10 है ना, प्लस का बाकी डिफरेंशिएट करके कंपेयर करा के a और b की वैल्यू बच्चों निकाल लेना, और ए और बी की वैल्यू निकाल के वैसे ही सॉल्व करना जैसे मैंने आपको सॉल्व करना बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, यहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है डियर, चलो अब थोड़ा सा इस पे काम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इंटीग्रेशन 1 / 3 + 2 sin x cos x। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है,
टू साइन एक्स कॉस एक्स की बात है, तो बच्चों यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तरीका नंबर वन, और वही सबसे आसान तरीका भी होता है, एक या फॉर्मूला आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा जरूर से जरूर, कि जो साइन एक्स होता है, ठीक है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने टैन के फॉर्म में पढ़ा होगा, ठीक है। साइन टू एक्स क्या होता है, टू टैन टैन एक्स अपॉन टू टैन, अगर साइन टू एक्स है तो टू टैन एक्स अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स, ऐसे करके आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। कॉस टू एक्स क्या होता है, वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ साइन एक्स है तो इसको हमने लिखा क्या, टू टैन एक्स बाई टू अपॉन अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर क्या एक्स बाई टू, और बच्चों एक कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स हो जाएगा वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स। अब डियर स्टूडेंट इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे ही पुट करेंगे आ जाएगा डी एक्स अपॉन थ्री प्लस टू अगेन टू टैन एक्स अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स प्लस प्लस cos x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। इतना आपका आ गया, थोड़ा LCM LCM लेके सॉल्व करना, ऊपर से स्क्वायर x आ जाएगा, बाद में tan x को t मान लेना यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बस ये है कि ऐसा क्वेश्चन देख के इंसान घबरा जाता है यार, ये क्या पूछ लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो सकता है लेकिन वो लेंथी मेथड है, वो मैं नहीं आपसे कहना चाहूंगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उस दिन के भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग मेथड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज जल्दी से बच्चों इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो, आप सब जल्दी से ले लो, कोई डाउट है तो पूछ लेना, मैं हिंट कर करके छोड़ दे रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ पूरा। चलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग टाइप की प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम है ये, ओके। जो ऊपर बैठा है थ्री साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स, है ना, यहाँ पे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दो है बच्चों, है ना, ए डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस बी टाइम्स 3 cos x plus 2 sin x। देखो ट्रिग्नोमेट्री के केस में आपको कुछ ऐसे याद रखना, मैंने क्या किया फिर से सुनो, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट था तो एज यूजुअल लिख लिया, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट एक बार डिफरेंशिएट करके लिखा, एक बार डायरेक्ट लिख लिया, इतना मुझे नहीं लगता करने में कोई आपको दिक्कत आपत्ति होनी चाहिए। a डिफरेंशिएट करो तो यहां से आ जाएगा minus 3 sin x plus 2 cos x plus b 3 cos x प्लस टू साइन एक्स, है ना। अब भैया कंपेयर करा लेते हैं दोनों तरफ से, तो यार देख लो यहाँ से, यहाँ देखो साइन एक्स से कंपेयर होगा, कॉस एक्स से कंपेयर होगा, तो भाई हमको लिखना है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी, और यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स प्लस टू ए प्लस टू बी, टू ए प्लस टू बी, और यहाँ से हो जाएगा देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ टू ए बी होना चाहिए, टू बी, ओके ना, 2a plus 3b, हाँ बिल्कुल सही, ये हो जाएगा cos x। अब जैसे कंपेयर कराओगे ना दोस्त, तो जैसे कंपेयर कराओगे sin x से होगा, तो यहाँ हो जाएगा minus 3a plus 2b equal to 3 equation 1, और एक हो जाएगा 2a plus 2b equal to like 2, ये हो जाएगी equation 2। अच्छा दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लो, जैसे बच्चों वैल्यू निकालोगे यहाँ पे रखोगे तो आप देखो इस वाले में रखना, और नीचे आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि नीचे की जो वैल्यू है वो ये दे रखी, कई वैल्यू कटेंगी पिटेंगी, जो आएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने किया प्लीज वैसे ही सॉल्व करिएगा, या इसको तो सभी लोग कर सकते हो, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आई लेट से, ठीक है, आई लेट से। और मैं एक बार आपको याद दिला दूं, यू बी का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, अगर आपको याद हो, इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, ठीक है, यू रखा, इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस, कुछ याद है, कुछ याद है बच्चों, पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे वाले को अगेन इंटीग्रेट करते हैं, फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बस देख लो यार आई लेट का प्रिंसिपल क्या कहता है, इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों को एक बार ध्यान से देख लो फिर से, इनवर्स लॉगरिथमिक, तो बच्चों ये आपका एल्जेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, अंडरस्टूड है बच्चों, ठीक है। तो अब यार इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो लॉग एक्स को हम लोग बाहर ले लेते हैं, एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, जो कि आप लोग बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है।
इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1 बाय x, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट कर लेना यार इसको x dx है ना, और अगेन ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो प्लीज देख लीजिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर टाइम कम रहता है ना, बहुत सारी चीजें इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ। एक दिन बच्चों मस्ती भी की जाएगी नो डाउट, अच्छे अच्छे सॉन्ग गाए जाएंगे। टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx, टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx, ठीक है। तो भैया टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx तो यार इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स जो दूसरा वाला उसको लिखा sec स्क्वायर एक्स माइनस वन dx है ना, उसको लिखा sec स्क्वायर एक्स माइनस वन dx। तो भैया दो को साथ साथ लिख लो, टेन स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस ये dx हो गया माइनस यहां से हो जाएगा लाइक टेन स्क्वायर एक्स dx। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के लाइक टेन एक्स sec एक्स का होल स्क्वायर बना के फिर बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख देना sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहां से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 जरा देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। dx इसको लिखा sin 3 by 2 x है ना, इसको लिखा cos 5 by 2 x और यहां लिखा बच्चों dx, ठीक है। अब cos 5 by 2 के हिसाब से आप एक काम करो, cos 3 by 2 से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मल्टीप्लाई क्या मैं कहूंगा, नीचे ही मल्टीप्लाई करो, नीचे ही डिवाइड करो। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन बनेगा, किससे करना है, cos 3 by 2 x, किससे, cos 3 by 2, 3 by 2 ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 5 plus 3 क्या होता है 8 होता है, 5 plus 3 क्या होता है 8 divided by 2 this is 4, ठीक है, बस इतने ही चीजों का ध्यान रखना। यहां हो जाएगा tan 3 by 2 x और ये हो जाएगा कितना cos 4 x और dx, cos 4 को ऊपर भेज दो हो जाएगा sec 4 x और नीचे हो जाएगा tan 3 by 2 x dx। पर tan x को हम लोग क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं ना, tan x को जैसे t मानोगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, फुट tan x बराबर बाकी सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये भी क्वेश्चन है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, प्लीज जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहो। आगे बढ़ते बच्चों थोड़ा सा, ओके बच्चों ये भी वैसी क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही है, क्या करना है इसमें, इसमें बच्चों क्या कर लोगे आप, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके सॉल्व करिएगा। देखो मैं सीधा से एक लाइन में बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को बच्चों कॉमन लेके सॉल्व कर लीजिएगा, एक लाइन बहुत ज्यादा, तीन चार लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं सॉल्व होता तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डैम श्योर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा। तो मुझे नहीं लगता एक ही टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हम लोग पॉच पॉच क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधी बात है, अगेन एक्स स्क्वायर को ऊपर नीचे कॉमन ले लेना, एक स्टेप मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट है ना, एक्स स्क्वायर जब इससे आएगा बच्चों तो यहाँ से हो जाएगा, देखो बाहर तो एक्स बचेगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अंदर बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, बाकी सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे आते हैं भाई, ये तो यार फॉर्मूला है सर, ये तो फॉर्मूला, इसको क्या ही बता रहे हो भाई, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 एक्स का होल स्क्वायर, 5 एक्स को चाहो तो t मान लो या डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, 5 एक्स को t मानोगे ज्यादा बेटर ऑप्शन, ओके डियर। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही आसान से है, ठीक है। आगे बढ़ते थोड़ा सा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, ये भी परफेक्ट स्क्वायर से होगा यार, क्या ही दिया है भाई, है ना। अब पता नहीं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा था तो मैंने कहा बता देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर से कर लेते हैं। प्लस का 4x प्लस 4 प्लस 4 है ना, यहां तक पहुंच गए, अगेन dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। अब भैया पुट x प्लस 2 इक्वल टू t ना, dx इक्वल टू dt, इतना आपका हो गया, तो यहां से हो जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4, ये बन गया फॉर्मूला, ये बन गया बच्चों फॉर्मूला, जो कि होता है 1 अपॉन a, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t by 2 प्लस c। तो डियर स्टूडेंट आज का पूरा सेशन आई होप सो आपने एंजॉय जरूर किया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और मैं फिर से आपको एक बार कह दे रहा हूँ कि प्लीज
वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके डियर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बात मैं आपको और सबको बता दूं, पहले स्क्रीनशॉट भी ले लेना यार सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, पेपर के लिए बिल्कुल मत डरो। पेपर के लिए पता, मैथ्स के पेपर के लिए बच्चों पेसेज चाहिए। हर एक चीज को पढ़ो, थोड़ा सा पहले एनसीईआरटी को फोकस करो, फिर आप आरडी शर्मा पे आओ। यार मैं आरडी शर्मा का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, थोड़ी जगह खाली है तो मैं बता दे रहा हूँ। आरडी शर्मा को फोकस करो, आरडी शर्मा बच्चों उन क्वेश्चंस को जरूर फोकस करो जो सीबीएसई में आ चुके हैं और पीवाईक्यू में है, मतलब सीबीएसई में आ चुके मतलब पीवाईक्यू ही होंगे, सीधी बात है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी तो आप करोगे ही करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यार एग्जाम्पलर भी करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो घोट जाओ, ठीक है। पेपर जो बनेगा इन्हीं के बीच से बनने वाला है और कहीं से नहीं आने वाला बच्चों, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, एक आध क्वेश्चन हो सकता प्रीवियस ईयर आईआईटी एआई ट्रिपल ए के पेपर से दे दूं, तो वो मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बच्चों, उसमें कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, अदरवाइज वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा। ये तो अभी तक इंडिफिनिट चल रहा था, वो पूरा पूरा डेडिकेटेड होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, और आई होप सो वो वीडियो कल ही आएगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया से रिलेटेड तो जितनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बता दूंगा ताकि आप लोग प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी आपको चीजें पता रहे कि हाँ सर ठीक है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी हमें ये चीजें पता है कि हमें को किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोग मेंटली प्रिपेयर रखो कि किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगेन मैं आपका एकेजी सर, मैं आपसे विदा कहना चाहता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए जिनको क्लास 12th है, जिनका बोर्ड का एग्जाम है। बहुत बच्चे बैठते हैं यार, तुम लोग चाहो तो क्या नहीं कर सकते, पूरे स्कूल में पहुंचाओ, पूरे गोरखपुर में पहुंचाओ यार। आपका शेड प्लस आपका खुद का चैनल है, ठीक है। अगर डैम श्योर इसमें जो बच्चे अच्छा करते हैं हम उनको जरूर अपनी टीम में इस बोर्ड के सामने खड़ा करेंगे। यार जो इस बार बोर्ड में अच्छा करेगा उसको मैं कह रहा हूँ, मैं एकेजी सर चीफ एकेडमिक ऑफिसर ऑफ शेड हाइब्रिड एकेडमी, यहीं पे वो हमारे साथ वीडियो में खड़ा होगा, उसको पूरा इंडिया देखेगा कि किस तरह से वो बच्चा अपनी बात रखता है। कोशिश करो 40 में 40 ही लाना है, 40 में 40 से 39 भी नहीं होना चाहिए। क्यों 39 आना भाई, क्यों 39? जो आपका मन करता है आप करते हो ना, 40 में 40 लाने में क्या प्रॉब्लम है? एक भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 1% प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोशिश की जाए तो क्यों नहीं, कोशिश होगी। हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर। तो कल हम लोग एरिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके बाद फिर डिफरेंशियल, फिर वेक्टर, 3D एंड प्रोबेबिलिटी। तो बहुत बड़ा हमारे पास टास्क नहीं है, सिर्फ इतना टास्क है बच्चों, तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ लाइक सब्सक्राइब और आगे बढ़ाते रहो। जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करो अपनी कॉपी में करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, वैसे ही क्वेश्चन करते रहो बच्चों, हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तुम्हारे एकेजी सर, ठीक है, आई प्रॉमिस यू। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, शेट को फिर से विदा कहने का मौका आ चुका है, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।